वेलकम टू द ब्लॉग। हम लोग क्या करने जा रहे हैं समीर? टेबल टेनिस। हमारे पास टेबल टेनिस नहीं है भाई, तो हमने ये डाइनिंग टेबल लिया है और ये खरीद लिया है, तो हमने इस टेबल को बना दिया है टेबल टेनिस। ठीक है, और क्या कर सकते भाई जब हमारे यहाँ रूम, हाँ इसके अंदर आना चाहिए। ओके, इधर उधर नहीं मारना चाहिए। इधर से अगर फाल करता है देन आई लूज पॉइंट, अगर इधर से आप मारते हो देन यू लूज पॉइंट। स्टार्ट द गेम। ओ सॉरी, आई लूज द गेम। ओके चलो भाई, दो काम होता है बच्चों के साथ, आपको जो आपके साथ साथ बच्चे के साथ एक दो घंटा एंजॉय करना पड़ता है। सॉरी अगेन, आई लूज द गेम। बट टाइम नहीं रहता भाई, कहाँ जाएंगे विंटर में, अरे ठंडी में कहाँ घूमेंगे भाई हम लोग। कैंपिंग। सो बच्चे करते क्या, देखिए देखिए ये लड़के का, देखिए आप क्या कर रहे हैं भाई, आप क्या कर रहे हैं? हाँ गुड, लेगो चारों तरफ छींट दीजिए, फिर इसके बाद सारे सोफा को इधर उठाइए, चेयर को इधर। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लेगो इधर, मैं बोल रहा था कि चार तरफ लेगो फेंक दीजिए और फिर सारा सोफा हटाइए, फिर टेबल इधर उधर हटाइए, फिर इसके बाद एक्सरसाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर रहना चाहिए सोफा हटाने के लिए, राइट? आज किसने हटाया ये, आप लोगों ने हटाया ट्री वगैरह? चलिए सुनिए, चलिए समीर चलिए। और चलिए चलिए चलिए। Come on, come on, come on. So we lose equal points. Yes. बहुत बड़ी समस्या हो गई है समर के लिए कि भाई समर लेगो खो गया है, तो मैं बोल रहा हूँ कि झाड़ू लगाओ तो उसी में हमारा घर भी क्लीन हो जाएगा, कहीं लेगो होगा तो कलेक्ट हो जाएगा। सो गुड आइडिया ना, विन विन सिचुएशन फॉर पेरेंट्स एंड बेबी। तुम लोग हमेशा पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्यों करते हो सारे बच्चे? व्हाई व्हाई, लेट्स हैव अ पेरेंट्स वर्सेस किड्स फाइट। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। हमसे नहीं जीत पाओगे रे बच्चा, ठीक है? समीर जल्दी स्टार्ट करो, हटाओ तुम्हारी मस्ती होगा ना तो जज को ही बहुत मार मारेंगे, रेफरी बोलते। चलो संभाल के, फ्लाई करने वाला नहीं, इस तरह नहीं सामान। आप ये लूज कर रहे हैं, यू लूजिंग द पॉइंट। इसमें आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए। देख, अगेन यू आर लूजिंग द पॉइंट। डोंट डिस्ट्रैक्ट अस। नो नो नो, इसके अंदर आना चाहिए। हटाओ समीर, समीर समीर रास्ते से हटो। चल चल जल्दी करो, जल्दी करो। आप हमको विन नहीं करने दो, आप खुद विन करो। ओके, मैं खुद विन कर लूंगा, डू नॉट लेट मी विन। ओके चलो, सी रेडी रहिए। सो गाइस, हमारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट आप लोग खेलिए, इसके बाद नहीं नहीं आप, फिर इसके बाद आप सब लोग क्लीन करोगे और मैं चल रहा हूँ खाना रेडी करने सबके लिए। आप लोग क्या खाओगे पहले बताओ? पराठा, दाल राइस खाना है, सब्जी या सामन? नहीं है, सामन नहीं है। ओके, दाल राइस, ऑमलेट या फिर पराठा? पराठा, पराठा और ऑमलेट खाओगे? चलिए सेट कीजिए, जल्दी सेट कीजिए। हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ इमीडिएट इसके बाद ले वो क्लीन करना सब लोग। उसको उसको भी रखो, वो सारा डलिया फ्रूट वगैरह सब जो इसके ऊपर रहता है वो सब रखिए। हाँ हाँ, आर यू क्लीनिंग समर?
सब क्लीन हो गया गाइस उधर, वेरी नाइस। तो झाड़ू भी लगाना पड़ेगा ना, वी आर द बॉयज ऑफ द हाउस राइट, वी नीड टू डू एवरीथिंग ओके। कभी मम्मा ये ना बोल पाए हम लोग कह रहे तुम लड़के हो तुम लोग कुछ नहीं करना जानते हो राइट, वी नो एवरीथिंग। Is this usually growed in there and then they came in the forest of a mountain? वर्ल्ड का सबसे जो बिगेस्ट माउंटेन रेंज है उसको बोलते हैं हिमालया, और हिमालया इंडिया और चाइना और नेपाल कंट्री के बीच में है। ये माउंटेन वही, ये साल्ट उसी माउंटेन से निकाल के आया है फ्रॉम इंडिया राइट, हाउ दे फाइंड इट। अरे रॉक के अंदर रहता है, माउंटेन को खोदते हैं तो उसके अंदर से साल्ट निकलता है। और अब समर समीर हाथ से खाना शुरू कर दिए हैं। दिस इज द रियल इंडियन स्टाइल राइट, यस दैट्स द रियल इंडियन स्टाइल। मेनी पीपल डू दैट इन इंडिया, नॉट डोंट यू, मेनी पीपल एवरीवन ऑलमोस्ट ईट विद योर हैंड ओके। एंड ये रहा हमारा फूड, काइंड ऑफ मेडिटेरियन सलाद की तरह, थोड़ा सा चिकन है, अंडा है और ओनियन है, चना है, टमाटर है, थोड़ा चिली है एंड पोमोग्रेनेट है, दाल राइस एंड ऑमलेट, और वो तो हाँ चने का सब्जी है समर समीर के लिए। हो मैन दिस इज द गुड ओके। तो डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए क्यों? नो डाइनिंग टेबल बिकम टेबल टेनिस, तो बैठ के नीचे खा लो। इंडियन स्टाइल में ऐसे बैठ के मजा आता है खाने में। बेस्ट फॉर, थैंक यू एवरीवन फॉर क्लीनिंग द हाउस, प्लेइंग एंड एंजॉयिंग द फूड, एंड थैंक यू सो मच मम्मा जो दाल राइस बना के ऑलरेडी रखी हुई थी। हमारे घर में सबसे बेस्ट कुक कौन है? मम्मा सबसे बेस्ट क्या बनाती है? खजूर। मैं बनाता हूँ। सब कुछ वही अच्छा बनाती है, मैं सिखाया हूँ समझे। दाल राइस, दाल राइस बहुत अच्छा बनाती है। ऑमलेट, सब्जी ऑमलेट एंड अंडा करी एंड मैं क्या क्या अच्छा बनाता हूँ? कैसे लटक के खा रहा है ना, गिरेगा भी तो उसी में गिरेगा। I'm way so excited that when my grandfather comes, he will see us eating food. Yes, and he will do camping with us. Yeah, in summer. Summer. He doesn't like, do he likes winter? He don't like winter. He likes spring, summer, fall. Yeah. Except winter, not his favorite. I only have... बहुत ही हैवी हैवी वर्ड आप लोग यूज कर रहे हो, क्या बोला है तुमने? कंपैशन, कंपैशन, कंपैशनेट होना है, कंपैशन क्या होता है? कंपैशन इज अ लॉट अबाउट काइंडनेस, यस क्वाइट सिमिलर टू काइंडनेस बट लिटिल डिफरेंट ओके, एंड बट बहुत हैवी चीज है, हम लोग को इस पे ज्यादा बात करना चाहिए। इट इज 1.5 heavy for. अरे भाई ये compassion, compassion बहुत heavy word है, समझे? But not like. Heavy का मतलब बहुत meaning है, उसमें बहुत load है, means there is so much into that word. जैसे हम लोग बोलते हैं ना love,
लव छोटा सा सब वर्ड है, ठीक है, बट लव की जो मीनिंग है ना बहुत ज़्यादा बिग है, बहुत हैप्पी है, बहुत ब्यूटीफुल है। सो हम लोगों ने अच्छे से खा पी लिया और कंचन अभी जिम में गई है, हमने बर्तन वगैरह धो के सब रख दिया। And why he want to watch, eat a little चॉकलेट खाने का मन करे, मीठा आजकल थोड़ा सा जरूरत लग रही है, बट एनीवे बट लग रहा हूँ क्या But he still don't like a lot, don't you? You just like a little. You just like you have saliva coming out. हम लोगों ने बर्तनों को धो के रख दिया है, तो क्या लगता है कि मामा के खुश हो जाएगी? Yeah. नहीं बेटा, बहुत कुछ सीखना है लड़कियों को खुश करने के लिए। उसके बाद भी बोलेगी कि बर्तन धो के अंदर क्यों नहीं रखा, बाहर क्यों रखा है, जब धोना ही था धो के अंदर रख देते, काम छोड़ दिया तुमने, तो भी गुस्सा आएगी, फिर झगड़ा होगा, फिर मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे एक और सेटअप लगा है बैडमिंटन का और समीर को मारूंगा बैडमिंटन से। ये समीर को मारूंगा। वन टू समर को लगेगा। ये इंडोर बैडमिंटन के लिए है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, तो इसमें भी वॉल में चिपकाने के लिए दिया है। इसको वॉल में चिपका के इसको घुमा के बड़ा कर सकते हैं और इस तरह फिर इसमें बांध देंगे बर्ड्स को एंड फिर आप प्ले कर सकते हैं आराम से। बट बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ा सा फन के लिए अच्छा है। अपने छोटे वाले से खेलो, कीप हिटिंग इट। एक बार अब मैं प्ले करूं? Yeah, I'll turn off the start. He started it. Okay. Dude. ये लड़के कभी कितनी क्यूट प्यारे थे करली बालों में। आई है थैंक यू फॉर बीइंग सो नाइस बॉयज एंड थैंक यू फॉर बीइंग यू आर माय हीरो पापा। थैंक यू व्हाट आई वांट टू गेट स्क्विश फॉर बेडटाइम व्हाट इज दैट माय फेवरेट। देखो समर नौटंकी नहीं, ठीक है।